विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे गौरीनाथ, हे नाथ काशी, हे नाथ काशी, पतिया देवा, हे नाथ काशी, पतिया देवा, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ। हे नाथ काशी पतिया देवा, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम पूजनीय विशेषण, सगण शिव पूजने नार्चयन्ति हते पूर्वं, तेषामर्चा वृथा भवेत्। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब बताएं कि राहु का क्या हुआ। व्यास के पूछने पर सनत कुमार बोले, कीर्ति मुख से वो बर्बर स्थान में छूटा, इसलिए उसका नाम बर्बर पड़ा। और अपना नया जन्म मान करके राहु ने धीरे धीरे जलंधर के स्थान पर पहुंच करके सारा समाचार सुना दिया, और वो सागर पुत्र महाक्रोधित हुआ और क्रोध के वशीभूत होकर के युद्ध की तैयारी करके प्रयाण किया। सबसे आगे शुक्र और राहु चले, उसी समय जलंधर का मुकुट धरती पर गिर गया। अपशकुन, मृत्यु के महाभयानक अपशकुन होने लगे। देवताओं ने कैलाश पहुंच करके शिव से कहा, जलंधर से बचाने में नियुक्त विष्णु स्वयं जलंधर के घर में रह रहे हैं और जलंधर अब हमलावर हो गया है, आपके कैलाश को घेर लिया है। शिव जी ने देवताओं की बात सुनकर के कहा, विष्णु जी को बुलाया और कहा, मया नियोजितास्त्वं साधु संरक्षणाय च निग्रहाय खलानां च स्वतंत्रेण विहारिणा। मैंने तुम्हें साधुओं के संरक्षण और दुष्टों के निग्रह के लिए नियुक्त किया और तुम उसके घर में रहने लगे, ये क्या किया तुमने? सब जानते थे शिव, लेकिन फिर भी देवताओं के सामने डांट रहे हैं। तब विष्णु बोले, प्रभु, जलंधर एक तो आपके अंश से उत्पन्न है, तो आपके अंश को भला कौन क्या बिगाड़ सकता है, और दूसरे वो सिंधु सुत होने से लक्ष्मी जी का भाई है। अब सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई, भला साले के विरोध में कैसे कर सकता हूं।
और उसको ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त है कि वो आपके ही द्वारा काबू में आ सकता है, और किसी के वश की बात है ही नहीं। तब शिव जी ने सबको निश्चिंत किया, घबराओ मत, मैं जलंधर को मारूंगा, अपने स्थान को पहुंचो। और इस आश्वासन से सब देव संदेह रहित होकर के अपने स्थान पर गए। कुछ ही देर में जलंधर की सिंहनाद करती हुई सेना कैलाश को घेर लेती है, और शंकर महाक्रोधित होकर के नंदी, वीरभद्र, कार्तिक, कीर्तिमुख और स्वामी कार्तिकेय आदि को युद्ध का आदेश देते हैं। और उस समय भयंकर युद्ध होता है, भेरी, मृदंग, शंख आदि बजते हैं, शवों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। देवगुरु मृत संजीवनी से देवताओं को पुनः जीवित करने लगे। तब शिव जी ने देखा तो उनके मुख से भयंकर कृत्या पैदा हुई, असुरों का भक्षण करने लगी। उसने शुक्र को अपने अंदर लीन कर लिया, पुनः युद्ध रोमहर्षक हुआ। सनत कुमार बोले, ते गणाधिपतिम दृष्ट्वा दंडी भमुख सन्मुखान अवर्णाजित धावंतम द्वंदम युद्धा यदानवा। शुंभ निशुंभ काल नेमी आदि दानव वीरों ने युद्ध गणों से भीषण युद्ध किया। कई बार वीरभद्र बंदी आदि घायल हुए, कई बार उन्होंने दैत्य सेना में प्रलय मचा दिया। दैत्य सेना का पलायन करते देख करके जलंधर बोले, अरे वीरों की शोभा युद्ध में शहीद होना होता है, बलिदान होना होता है, पीठ दिखा करके तो कायर भागा करते हैं। और इस प्रकार अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा करके और वो शिव को ललकारता है। जलंधर शिव जी के मध्य भयंकर युद्ध होता है। तब भीषण युद्ध में जलंधर व्याकुल हो गया, तो उसने माया की रचना की, शिव को मोहित कर लिया। शिव को मोहित देख करके जलंधर काम वेग से पीड़ित होकर के पार्वती जी के पास गया। शिव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया। पार्वती तो महामाया है, महाशक्ति है, भला उन पे माया का क्या तेज होता है। वहां गया तो पार्वती को देखते ही उसका तेज क्षरण हुआ, उसके अंग जड़ी भूत हो गए। पार्वती वहां से अंतर्ध्यान होकर के उत्तर मानस में चली गई और दैत्य युद्ध में शिव के समीप पहुंच करके पुनः युद्ध करने लगा। और तब माता ने विष्णु को बुलाया, हे विष्णु जलंधरो दैत्य कृतवान परमाद्भुतम तत्किं न विदितं तेस्ति चोटितं तस्य दुर्मते। हे विष्णु, जलंधर ने यहाँ शिव के रूप में आकर के मुझे छलने का प्रयास किया, अब उसने शुरुआत की है, तो अब तुम जाओ और वृंदा को जाकर के छलो। उसके पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर मारा नहीं जा रहा है, इसलिए तुम जाओ। माता, आपकी कृपा से मैंने सब जान लिया, आप आज्ञा दे, मैं क्या करूं। पार्वती बोले, सटे साट्यम समाचरे, जिसके जैसे को तैसा। तेने वदर्शितं ब्रह्म पंथा बुद्ध्यस्त्वं त्वं तथैवधि तत्स्त्री पतिव्रतं धर्मं भ्रष्टं कुरु मदाग्नया। सटे साट्यम समाचरे, उसने जैसा किया वैसा तुम उसकी स्त्री के साथ करके जाओ। यहां तो मैं थी, मैं चलने में नहीं आई, लेकिन तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इस प्रकार रास्ता जलंधर ने खोला है, जलंधर को उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म बचा रहा है। मेरी आज्ञा से तुम जाओ। और भगवान विष्णु जलंधर के नगर में वैसा ही छल करने गए जैसा जलंधर ने माता के साथ किया था कैलाश में। विष्णु जी ने वृंदा को स्वप्न दिया, जिसमें अपने स्वामी को तेल लगा, भैंसे पर बैठा हुआ नंगा देखा, काले रंग की माला पहने हुए गीदड़ भेड़ियों के साथ। इस प्रकार जब उसने देखा तो वो भागी व्याकुल होकर के दो शिष्यों सहित मौन साधे एक तपस्वी को देखा। आर्त भावुक वृद्धा मुनि से बोली, रक्षा करो, रक्षा करो। और हुंकार मात्र से विष्णु रूपधारी उस साधु ने उन राक्षसों को भगा दिया और उनको त्रिकालदर्शी मान करके वृंदा हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ के कहती है,
जलंधरो ही मत भरता रोद्रम योधुं गत प्रभु सतत्रास्ते कथम युद्धे तन्मे कथय सुवृतम्। विष्णु भेषधारी साधु के रूप में वहां विष्णु बैठे हुए हैं, उनसे पूछती है, हे प्रभो युद्ध में मेरे स्वामी की क्या दशा हुई है, मुझे ये जानना है। तब मुनि ने कपट से मौन साध करके ऊपर देखा। होते हैं ना बहुत सारे कपटी जो जानते रोते हैं, तांत्रिक होते हैं, ओए क्या हमें तुमसे, इसी तरह से ऊपर से देखा। इतने में दो वानर क्षण मात्र में कपट मौन धारण, दो वानर आए और उसका सिर लेकर के आ गए, सिर उसके सामने पटक दिया, ये जलंधर गया। स्वामी की दशा देख करके वृंदा मूर्छा खा करके गिर पड़ी। अब क्या होगा, विलाप करने लगी, दिग्विजयी दैत्यराज आप शिव तत्व को नहीं जान करके मेरी बात भी नहीं मानी और आज ये परिणाम सामने है। तब वृंदा आंसू बहाती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि बोले, शिव के द्वारा मारा हुआ प्राणी कभी जीवित नहीं होता, लेकिन चूंकि तू मेरी भक्ता है इसलिए मैं कुछ करता हूं। नायं जीवयितुं शक्तो रुद्रेण निहतो युधि रुद्रेण निहता युद्धे न जीवन्ति कदाचन। कभी नहीं जीता है, रुद्र द्वारा मारे गए प्राणी कभी जीते नहीं है, लेकिन मैं इसको जीवित करूंगा। इस प्रकार बंदरों को फिर भेजा और धड़ भी उठा लाए, धड़ से उसका मस्तक जोड़ा और अपने कमंडलों में से जल छिड़का और वो जीवित हो गए। लेकिन वृंदा न जान पाई वो जो जोड़े हुए जलंधर में प्राण आए थे वो स्वयं विष्णु ही थे, जलंधर तो वहां शिव जी से लड़ रहा था। वृंदा बड़ी प्रसन्न हो गई, मरा हुआ पति जीवित हो जाए तो फिर तो पत्नी गले लग जाती है, कहो मेरे स्वामी मैंने तो सोचा था कि मैं विधवा हो गई, लेकिन आप जीवित हो गए। वो उनके गले लग गई और इस प्रकार विष्णु रूप जलंधर के साथ उसी वन में बहुत दिनों तक वृंदा ने रमण किया। एक दिन अपने साथ शयन किए विष्णु को देखा और रमण में उसे लगा कि जो मेरे पति, बहुत सारी पति पत्नी के बीच में बहुत सी प्राइवेट बातें होती है जो केवल उन्हीं को पता होती है, और उनको थोड़ा सा शक हुआ वृंदा को, तो उनको शक हो गया कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। और उठ करके उसने कहा, रे महाधम दे त्यारे पर धर्म विदूषक ग्रहीष्व सट मदत्तम शापम सर्व विशोल्वण। हे महाधम, हे दैत्यों के शत्रु, धर्म के विदूषक, तूने धोखे से पत्थर हृदय होकर के और मेरा धर्म निश्चित नष्ट किया है, शाप ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा शाप है कि जो तुमने माया से दो राक्षस दिखाए वे दोनों तुम्हारी भार्या को हरण करेंगे। तुम भी भार्या के निमित्त दुखी होकर के वन में वानरों की सहायता ग्रहण करोगे। ऐसा शाप देकर के वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुकी। सब देवता आकाश में पत्नियों सहित वृंदा की सदगति देखने आए। सबके देखते देखते वृंदा का तेज अदृश्य हो गया। शिवा तनो विलीन तत् वृंदा तेजा बभूव आशी जय जया राव खस्तितामर पंक्तिषु। वृंदा का दिव्य तेज भगवती पार्वती के शरीर में लीन हुआ। आकाश से
देवताओं ने जय जयकार किया। बोलिए सती महारानी की, काल नेमी की वो कन्या महारानी वृंदा पतिव्रत धर्म के प्रभाव से परम मुक्ति को प्राप्त हुई। ततो हरिस्ता मनुसंस्मरण वृंदाचिता भस्मरजो वगुंठित तत्रैव तस्तो सुरसीद संघके प्रबोध्यमानो पीयो न शांतिम। और भगवान भगवती वृंदा की चिता की भस्म को विष्णु भगवान ने अपने शरीर पर मला और वही हा वृंदे हा वृंदे हा वृंदे इस प्रकार विलाप करते रहे और उसकी चिता में लोट पोट होते रहे। इधर शिव और जलंधर के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, जो सती का कवच उसे रक्षित कर रहा था वो अब टूट चुका था और अंतरों का द्वार जलंधर का सिंह जी द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र से सिर कट करके धरा पर गिरा और शिवाज्ञा से उसका रक्त व मांस रोरों में जाकर के रक्त कुंड हो गया। जलंधर के शरीर से निकली ज्योति सिंह जी के ही अंदर समा गई। भगवान ने कहा था कि ये जहां से आया है वही जाएगा और शिव के अंदर ही वो समा गया। सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। सनत कुमार ने कहा जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति पशुपति शरण तुम्हारी आए, शरण तुम्हारी आए, तुम ही पार लगाए। Thank you.
के बाद में शिव जी के पूछने पर विष्णु जी का वृत्तांत निवेदन किया। बड़े प्रयत्न से विष्णु ने वृंदा को मोहित किया था। वृंदा सती साध्वी साथ कहना बूंद अगाध सहई गिरी कैसे खल के वचन संत सहज खल के वचन सही सती सहजे से आकाश से गिरती हुई बूंद को पर्वत इस तरह सहते हैं जैसे खल के वचन सती सहती है। कोई असर नहीं होता सती के ऊपर दुष्टों के वचनों का। सती को बड़ी प्रयासों से उन्होंने मोहित किया था सती वृंदा को और वो अग्नि में भस्म होकर के परम गति को प्राप्त हुई किंतु वृंदा के प्रेम में विवश होकर के और शिव की माया से मोहित होकर के उसकी चिता भस्म को धारण करते हैं विष्णु। देव ऋषि मुनियों ने बहुत समझाया है किंतु वो वृंदा की राख में ही लौट रहे हैं वहां से आना ही नहीं चाह रहे। तब शिव बोले महादेवी उमा
तीनों देवताओं की जननी वही मूल प्रकृति है। हे देवताओं, आप उन्हीं भगवती की शरण में जाओ। और तब भगवती की शरण में जाते हैं। कुरु कार्यम महादेवी देवानां न परेश्वरी विष्णुमोहं हर शिवे दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे माता, वृंदा के लावण्य से मोहित होकर के शिव जी उनकी विष्णु जी उनकी चिता में लौट रहे हैं, भस्म को धारण कर रहे हैं, ज्ञान से रहित और मोहित हो गए हैं। तब आकाशवाणी होती है कि मेरी ही स्वरूपा गौरी लक्ष्मी और सावित्री की शरण में जाओ। और त्रिदेवियों की शरण में वो जाते हैं। तीनों देवता देवियां देवताओं को तीन बीज देती, कुछ बीज देती हैं। जहां विष्णु हैं यहां वो बीज बो दो। देवों ने ऐसा ही किया। उन बीजों के डालते ही उनसे तीन वनस्पति प्रकट हुई। धात्री यानी आमल की आंवली, कार्तिक में आंवली की पूजा करते हैं ना, ये आंवली वहां से पैदा हुई। मालती एक पुष्प का पौधा, और ये लक्ष्मी के द्वारा आया। आंवली जो मतलब आंवली, आंवले का स्त्रीलिंग आंवली, वो ब्रह्माणी के द्वारा आया। और गौरी के द्वारा तुलसी की वनस्पति पैदा हुई। विष्णु ने जैसे ही उन्हें स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो उनके राग विभ्रम से तत्काल उठ बैठे। विष्णु तुलसी वो आमलगी को प्रेम से देखने लगी विष्णु को, और इससे मालती को ईर्ष्या होने लगी। वो बर्बरी नाम से गर्हित हुई। अतः धात्री और तुलसी के साथ विष्णु वैकुंठ चले। यानी आंवली की पूजा लक्ष्मी की पूजा है यूं मान लो, विष्णु प्रिया की पूजा है, और तुलसी की पूजा भी विष्णु प्रिया की पूजा है। और इस तरह का ही जिस तरह यहाँ सती का वृंदा नाम है, वैसा ही एक और आख्यान इसमें वर्णित है शंखचूड़ के नाम से। और ये शंखचूड़ कौन है? ये है गोलोक निवासी भगवान श्री कृष्ण और राधिका के साथ दिव्य लोक में रहने वाला गोप, जिसका नाम था सुदामा। और जैसा कि सती के प्रकरण में हमने देखा, भगवान ने कहा था कि भगवान शिव ने ही मुझे गोलोक का अधिपति बनाया था, और वो अवढ़दानी है, खुद मुझे पूज करके और देवों के लिए मुझे पूज्य बना दिया था। उसी गोलोक में ये शंखचूड़ नाम का गोप भी रहता था, जो वो राधा जी के लिए कुछ उसने त्रुटि कर दी और इस कारण से वो राक्षस बना था। सनत कुमार कहने लगे, अथान्या चम्बुचरितं प्रेमत श्रुणुवे मुने यस्य श्रवणमात्रेण शिव भक्ति दृढ़ भवेत्। बहुत शिव जी के और भी चरित्र कहिए। व्यास जी ने सनत कुमार जी से कहा, और भी चरित्र कहिए, उससे भक्ति दृढ़ होती है शिव के चरणों में। तो सनत कुमार जी कहने लगे, शंख चूड़ा विधो वीरो दानवो देव कंटक यथा शिवेन निहतो
रण मूर्धनि त्रिशूलत। ब्रह्मपुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप को दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियां दी थी, उन्हीं में एक धनु थी जिसके बहुत से पुत्र हुए थे और जिनमें एक विप्रचित्ति नाम का एक पुत्र था और उसका पुत्र था दंभ, दंभ नाम का राक्षस। जितेंद्रिय था, धार्मिक था और विष्णु भक्त था और पुत्र कामना से उसने शुक्राचार्य को गुरु बना करके श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में उसने घोर तप किया था। तपोग्नि से देव मुनि आदि संतप्त हो गए और ब्रह्मा को लेकर के विष्णु के पास गए, कहने लगे हे प्रभो ये क्या कारण है, ये सृष्टि तप्त क्यों हो रही है। सनत कुमार कहते हैं कि विष्णु जी मुस्कुरा करके बोले घबराओ मत, अभी प्रलय का समय नहीं आया है, धरती उलट पुलट नहीं होगी, प्रलय का समय नहीं है अभी। दंभ नामक दानव का तेज है जो मेरा भक्त है, मैं उसे शांत करता हूं। विष्णु दंभ को वर मांगने को कहते हैं और दंभ विष्णु भक्त था, महापराक्रमी था, त्रिलोक विजयी देवों से अपराजित पुत्र चाहिए मुझे, ऐसा उन्होंने वर मांग लिया। ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं को जीत ले। अब जब कोई तपस्या करके कर्म करके और कुछ मांगता है तो उसको देना बनता है, तो विष्णु ने तथास्तु कहा। श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी सुदामा नाम का गोप दंभ की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ, ये राधा जी के द्वारा शापित था। उसके जन्म पर बड़ा भव्य जन्मोत्सव मनाया गया, इसका नाम शंखचूड रखा और सनत कुमार बोले ततश्च शंखचूड़ो सो जिगीषव्योपदेखत तश्चकार सुप्रीत्या ब्रह्मण पुष्करे चिरम। शंखचूड वर प्राप्त करने के लिए वो भी प्रतीक्षा प्रति तपस्या करने लगा। शंखचूड की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वहां पधारे, वर मांगने को कहा, उत्तम वाणी से स्तुति की और वर मांगा कि देवता मुझसे न जीत सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, तब श्री कृष्ण का दिव्य वचन प्रदान किया जो सर्वत्र विजयदारी है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कह करके भेजा था, वो उसने कह दिया ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को, देख सबसे विजय का एक ही मंत्र है कि तेरी पत्नी सती होनी चाहिए और विष्णु भगवान ने जो कहा है वो सुन। बदरी संप्राहि त्वं बदरी संप्रयाहि त्वं तुलाश्याम सहतत्रवे विवाहं कुरु तत्रैव सातपश्यति कामत धर्मध्वज स्वता सेति संदिदेश चतो विधि अंतर्धानं जगामाशु पश्यत तस्य तत्क्षणात्। विष्णु भगवान का वचन है कि तू बद्रीनाथ में जा, बद्री वन में जा और वहां जाकर के वहां एक सती तुलसी नाम की सती तपस्या कर रही है और उसको राजी करके और तू उससे विवाह कर, तब तेरा काम बनेगा। तो ठीक है, वो चला ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश में वहां हिमालय खड़ा हुआ है, वो रास्ता ही नहीं दे रहा है। तो नारद जी वहां आए और उन्होंने कहा कि अरे
शंखचूड़ क्या क्या हुआ कि बद्रीनाथ जाना है? बोले बद्रीनाथ ऐसे नहीं जा सकते। तो फिर कैसे जा सकते हैं कि बद्रीनाथ से तो लगन लगानी पड़ती है, वहां से डोरी खींचती है ना, उसी को दर्शन होते हैं बस, और किसी को नहीं होते हैं। तो क्या करूं कि गंगा जी में डुबकी लगा और उनसे प्रार्थना कर, डुबकी लगाई और प्रार्थना किया। अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी है। अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी है। अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी लगन लगी रे कबड़ी, लगन लगी लगन लगी रे कबड़ी, लगन लगी रे कबड़ी। अब के बुला ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी ले दीनानाथ पहाड़ा का बद्रीनाथ, दरस की लगन लगी। तो ये भक्ति विशाल भगवान की लगे देखिए।
Thank you.
कहते हैं कि और धाम और यात्रा कौन से हो जाती है, लेकिन बद्रीनाथ की यात्रा घोड़ों से। तो बद्रीनाथ के दर्शन करने की इच्छा है, हाथ करो, हाथ खड़ा करें। ओहो, और तो निश्चित रूप से बद्रीनाथ यहाँ आने वाले हैं। अरे एक बात बताओ, कितने लोगों को बद्रीनाथ के दर्शन हुए हैं? आइए तो आज शब्द यात्रा करते हैं बद्रीनाथ की। शब्दों की यात्रा करेंगे और अपने उन संस्मरणों को याद करें और यहाँ कथा में बद्रीनाथ की यात्रा का आनंद लें। करके ही माने चढ़ाई, करके ही माने चढ़ाई, चलो बद्री के तार को चढ़ाई, चलो बद्री के तार को ऋषिकेश गंगा नहाई, चलो बद्री के तार को ऋषिकेश गंगा नहाई, चलो बद्री के तार को, चलो बद्री के तार को, चलो बद्री के शिव के इष्ट बदरी, शिव के इष्ट
गंगा जी के स्थान पर के लगी मंदाकिनी, गंगा
वही पहाड़ भूमि स्वर्ग की सुहावनी गंगा जी के सांगत बनने लगी मंदा की प्यार बाल की पहाड़ी राम की भयावनी चलो
हिमालय